जिसका ईश्वर के साथ सीधा संबंध नहीं है, जो सीधे ईश्वर को गुरु बना करके चल नहीं सकता है, अथवा जिसका ईश्वर संबंध प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसे साधक के लिए उपासना से अधिक आध्यात्मिक प्रगति में आत्मनिरीक्षण से लाभ होता है। यद्यपि उपासना अनिवार्य रहती है, उसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे दोषों का जो निवारण होता है, नए ज्ञान विज्ञान को जो प्राप्त करना होता है, वो शाब्दिक उपासना मात्र से उतना लाभकारी नहीं हो पाता है। उसमें एक प्रकार से प्रायः खाना पूर्ति की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक होता है व्यक्ति को अपनी स्थिति उत्तरोत्तर दृढ़ करे, विशेष ज्ञान विज्ञान प्राप्त या उत्पन्न करे। उसके लिए फिर ये आत्मरीक्षण विशेष उपयोगी हो जाता है। अपनी आंतरिक स्थिति अथवा जो संस्कारों की स्थिति है, उसका सीधा सीधा परिज्ञान आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हो पाता है और किसी भी तरह से नहीं होता। इसलिए कुसंस्कारों को नए यानी रोकने के लिए नए मिथ्या ज्ञान या संस्कार नहीं बनने देने के लिए, और बने हुए को भी छीन दुर्बल करने के लिए आत्मरीक्षण सीधे सीधे सहयोगी होता है। इस कारण से आरंभिक योगाभ्यासी साधक उपासक के लिए आत्मरीक्षण को दिनचर्या का एक अनिवार्य भाग मान करके इसको संपन्न करना चाहिए। खाने के लिए, पीने के लिए, व्यायाम के लिए या अन्य कार्यों के लिए जैसे समय सुनिश्चित रखते हैं, अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए, ऐसे ही आत्मरीक्षण का भी एक पूरे दिन रात में और रात्र में एक नियत समय रहना चाहिए। समय नियत हो जाने से आत्मरीक्षण में आलस प्रमाद की जो स्थिति होती है वो नहीं रहती है। बिना निश्चय किए, समय व्यवस्थित किए, दिनचर्या में विशेष स्थान दिए बिना प्रायः आत्मरीक्षण में प्रमाद होता रहता है, वैसे आत्मरीक्षण नहीं कर पाते हैं। थोड़ा विचार लिया, कुछ सोच लिया, कुछ याद कर लिया, स्मरण कर लिया, इस रूप में हम आत्मरीक्षण का समय एक प्रकार से मान लेते हैं, हमने इसकी पूर्ति कर ली, लेकिन उतने मात्र से विशेष प्रगति नहीं हो पाती है। इस कारण से आत्मरीक्षण के लिए समय सुनिश्चित करना और उस सुनिश्चित समय में फिर आत्मरीक्षण को संपन्न करना चाहिए। आत्मरीक्षण में नए विषय नहीं लिए जाते, नए विषय निध्यासन में होते हैं, वैसे नए विषय हमारे लिए विशेष करके स्वाध्याय के रूप में ही ग्रहण करना होता है। चिंतन है, विचार है
ये सारी की सारी निधिध्यासन आदि की जो प्रक्रिया होती है, सिद्धांत के अनुसार ये सभी ज्ञात विषयों में लागू होते हैं। अज्ञात विषय में कोई निधिध्यासन नहीं होता है। निर्णय विचार सब एक बार जब संशयुक्त हो जाता है सिद्धांत, उसके बाद ही उसको निर्णय करने की हमारी अपेक्षा होती है। संशय करने के लिए अनिवार्यता होती है कि जब तक भी विषय हमारा व्यवहारिक नहीं होता है, जिस विषय से हमारा कोई लेना देना नहीं है, व्यवहारिक संबंध नहीं है, उनमें हमारे संशय का कोई महत्व नहीं होता है। वो केवल बुद्धि विलास के लिए हम उनमें संशय उत्पन्न करते हैं। ऐसे संशय से हमारा कोई विशेष प्रयोजन पूरा नहीं होता है। लेकिन व्यवहारिक विषय में उत्पन्न होया हुआ संशय फिर तत्व ज्ञान के लिए हमको प्रेरित करता है, या उसका जो परिणाम होता है वो तत्व ज्ञान उत्पन्न कराने वाला होता है। तो इस कारण से हमें ज्ञात विषयों में ही पढ़े लिखे सुने स्वाध्याय कृत जो विषय होते हैं, आत्मनिरीक्षण भी उनमें ही करना होता है। नए विषयों के लिए स्वाध्याय करना, उपदेश सुनना, सत्संग सुनना, अध्ययन करना, ये अलग कार्य होते हैं। निधिध्यासन में जो भी हमारे मन में संग्रहित है, जिसको हमने एक बार किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया है, जो भी किसी भी प्रकार से हमको विषय उपलब्ध हो चुका है, ऐसे विषयों में ही हमें आत्मरीक्षण करना होता है। जब तक हम आत्मरीक्षण के माध्यम से उन संस्कारों को, अपने विचारों को, दोषों को नहीं देखते हैं, तब तक उनको ना तो हम हटा पाते हैं, ना ही उसमें हम कुछ सुधार कर पाते। एक सामान्य सी स्थिति बनी रहती है और वो केवल इसको कहते हैं तुष्टि दोष, एक मिथ्या संतोष बना रहता है कि इसको तो मैं जानता हूं, इसको और जानने की हमको कोई अपेक्षा नहीं है, ये तो पता है। तो इस प्रकार से मतलब जब तक आत्मनिरीक्षण से हम नहीं देखते हैं अपनी आंतरिक स्थिति को, तो हमारे लिए ये मिथ्या दोष, आत्म संतोष जो होता है, ये दोष निरंतर बना रहता है। और इस आत्मतुष्टि के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण फिर क्या होता है, हमारे चित्त के जो क्लेश होते हैं कभी क्षीण नहीं हो सकते, दुर्बल नहीं हो सकते। सत्य के विषय में जैसे होता है कि सामान्य रूप से सत्य बोलना चाहिए, लेकिन इतने मात्र से व्यवहार नहीं होता है। केवल काले को काला कहना, सफेद को सफेद कहना, ये सत्य नहीं होता है। कितनी ही सत्य बातें होती हैं जिसको हर जगह नहीं कहा जा सकता है, हर किसी को नहीं कहा जा सकता है, हर परिस्थिति में नहीं कहा जा सकता है। इसलिए उसमें व्यास पास में आया है कि जिससे हानि की संभावना हो वो सत्य नहीं होता है, वो सत्याभास होता है। यानी केवल सत्य मात्र से हित होता है ऐसा नहीं होता है, उसका उचित प्रयोग करना होता है। तो कहां हम सत्य का किस रूप में, किस स्तर से प्रयोग करें, इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम उसके ऊपर पूर्वापर विचार करेंगे। हमको कोई भी व्यक्ति होता है जो है सत्य, लेकिन कभी उससे हमको निराशा हो जाती है, कभी उल्टे आवेश हो जाता है, हम उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। तो इस कारण से दूसरे के सामने भी यही स्थिति होती है। इसलिए केवल सत्य बोल देना मात्र पर्याप्त नहीं होता है, उसके जो भी अवसर होते हैं, किस काल में, कितनी मात्रा में, किसके सामने, किस रूप में सत्य को रखना चाहिए,
इन सभी बातों को जो सूक्ष्मता से जानना होता है, फिर वो अपनी इस आंतरिक स्थिति के आधार पर निर्मित होता है। सत्य को जानने के लिए अथवा स्वीकार करने के लिए भी पात्रता की अपेक्षा होती है। हमारे अंदर कितने सारे दोष होते हैं, उनको हम स्वयं अपने आप में तो स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरा यदि हमें वो बता देता है तो दुखी हो जाते हैं। उसी दोष को हम नहीं स्वीकार कर पाते, मानते नहीं उसको, जबकि अपने आप में अगर उसको देखें तो लगता है हाँ ये ठीक नहीं है। दूसरा उसी को बता दे तो लगता है नहीं वो गलत बता रहा है। तो इस स्थिति में क्या होती है, हमारी पात्रता नहीं होती, दोष को सत्य को स्वीकार करने की भी पात्रता होनी चाहिए। अपात्र व्यक्ति ना तो सत्य को सुनना चाहता है, ना ही सुन करके उसको कोई लाभ हो पाता है। ऐसी स्थिति में कहाँ बोलना चाहिए सत्य, कितना बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इन सबको ध्यान में रखना होता है। दूसरों के लिए ऐसे अपने लिए भी होता है, किसी के सत्य को हम किस स्थिति में स्वीकार करें, कब करें, ये भी देखना होता है। किसी को भी कभी भी हम कोई भी स्वीकृति दे दें यह आवश्यक नहीं होता है, किंतु ये सिद्धांत होता है कि हमें किसी से भी कुछ भी सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कोई भी हमको कुछ भी कहीं भी बोल सकता है, सुना सकता है, कोई भी दोष है, किसी को भी हमारे दोष हमारे सामने कहने का अधिकार होता है। तो योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए ये अनिवार्यता रहती है कि अगर कोई भी उसको कोई दोष बता रहा है तो उसमें इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, यानी पहले से उसकी इतनी तैयारी रहनी चाहिए कि दोष सुना देने पर, बता देने पर वो उसको सहन कर ले, तत्काल वो दूर हो जाएगा, या उसको ये कह देना कि मैं इसको अभी नहीं होने दूंगा आगे, ये अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन उसको सुन लेना, सहन कर लेना, यानी प्रतिक्रिया नहीं करना, उल्टे दूसरे पर फिर वही आरोप नहीं लगा देना कि तेरे अंदर भी तो ऐसा ही है, तू तो भी ऐसा ही है। इस प्रकार से प्राय जैसे होता है, कोई हमको दोष सुनाता है एक तो हम पांच सुना देते हैं, तब तक उसमें लगता है बस ये बोल कैसे दिया इसने। वहां दोष को दूर करना फिर कोई उद्देश्य नहीं होता है, केवल एक दूसरे को नीचा कर दिखाना, अपमानित करना, इतना ही प्रयोजन होता है। प्रायः बताने वालों का भी प्रयोजन यही रहता है, वो भी दोष को हटाने की दृष्टि से नहीं बताता है, वो केवल हमसे नीचे सिद्ध हो जाए, केवल इतना ही प्रयोजन उसका भी होता है, बताने वाले का भी प्रायः। इसलिए सुनने वाले भी उसको और उल्टा करते हैं, उससे भी नीचा उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब केवल अपात्रता के कारण से होता है। पात्रता का मतलब होता है कि हम पहले से यदि उन दोषों को दूर करने के लिए तत्पर हैं, हमने स्वयं माना हुआ है कि हाँ ये उचित नहीं है, तो जिन दोषों को हमने पहले से मान लिया है कि वस्तुतः दोष है, यदि उसको दूसरा बताएगा तो कष्ट नहीं होगा। कष्ट वही होता है जहां हमने अभी नहीं माना है ये दोष है, ये अनुचित है, अभी हमारी बुद्धि में नहीं आया, लेकिन दूसरे हमको अगर निर्देश करने लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो वहां पर हमारी प्रतिक्रिया होती है, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि दोष होता है वो। तो यहीं पर फिर वो मिथ्या अहंकार हमारा सक्रिय हो जाता है और हम उसको सुनना भी नहीं चाहते हैं, स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो इसलिए ये होता है, इसमें हमारा आत्मनिरीक्षण का अभाव रहता है, हमने पहले से ही अपनी उस स्थिति को स्वीकार नहीं किया होता है। पहले से हम अगर स्वीकार नहीं करते हैं और कोई दूसरा नया बताता है तो इसमें अपनी ग्लानि होती है कि ये मेरे से बढ़ गया, हमारा दोस्त बता रहा है, सीधी सी बात हमको पता नहीं है, तो
अपने आप अपने मन में ही व्यक्ति को लगता है मैं छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, क्योंकि छोटे बड़े का लक्षण ही यही होता है, जिसमें गुण अधिक होगा वो बड़ा होगा, जिसमें दोष अधिक होते हैं वो छोटे होते हैं। तो दोष सिद्ध होते ही व्यक्ति छोटा हो जाता है, ये मान्यता हर किसी के अंदर होती है। लेकिन जब हमको कोई बात कोई सुना रहा है और पहले से वो हमको पता होता है तो अब अंतर नहीं पड़ता है, हम कहते हैं तो पता है मुझे, हम पहले से इसको मानते हैं। तो अपनी माने ही बात को अगर कोई दोहराता है तो वहां क्या होता है, फिर हमको अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जहां हमने नहीं माना हुआ है वहां कोई बताने लग जाए तो हमको ग्लानि होने लगती है, हताश निराश होते हैं, उसके सामने जाने से बचने लगते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाएं होने लगती है। इसलिए होता है कि ऐसी स्थितियां दूसरे के द्वारा ना आने पाए, दूसरे हमारे द्वेष एक दोष बताएगा लेकिन वो आवश्यक नहीं, हमारे हित की दृष्टि से बताएगा, हमारा उपकार करने के लिए कुछ सहयोग करने के लिए हमारी उस कमी को बता रहा हो, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। और जो कोई सात्विक व्यक्ति होता है वो तो पहले फिर दोष को बताता ही नहीं है, जब तक हम उसके सामने समर्पित नहीं होते हैं, उसको नहीं दिखता है कि हमारी बात का इस पर कोई होगा प्रभाव, तो ऐसी स्थिति में वो बताता ही नहीं है उसको पहले, तो बहुत कठिनाई से प्रार्थना करने पर वो बताता है। लेकिन बताने वाले जो अधिकतर होते हैं वो प्रायः राग द्वेष के कारण से बताते हैं, शुद्ध हित की दृष्टि से दोष प्रायः नहीं बताते हैं बताने वाले, क्योंकि उनको नहीं दिखती है कि अभी पात्रता का निश्चय नहीं है, उसको सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्या करेगा, ये उल्टे लेने देने पड़ जाते हैं बताने पर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये जो यानी एक साधु अवस्था का होता है वो प्रायः छेड़ता नहीं है। हाँ, जिसके अपने कार्य आंतरिक हो चुके हैं, जो साधु संन्यासी होता है यानी अंदर से जिसके कार्य पूरे हो गए वो तो बिना पूछे बताता रहता है, उसका काम यही होता है दूसरों को बताना निर्देश करना। यानी जिसके आंतरिक कार्य पूरे हो चुके हैं वो तो निर्भय होकर बताएगा और उसका बताना यथार्थ होता है, दूसरे के हित के लिए होता है। लेकिन जिसके कार्य आंतरिक पूरे नहीं हुए हैं वो यदि दोष बता रहा है किसी का तो निश्चय से उसकी भावना सात्विक नहीं होती है, रजस से प्रभावित होकर के ही दूसरे को दोष बताता है। तो इन्हीं स्थितियों में चूंकि हम भी रहते हैं इस कारण से हमें भी किसी का बताना अच्छा नहीं लगता है, किसी का सुनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए फिर ये दोष होते हैं, यहाँ अनिवार्य रहता है कि हमें जहाँ कहीं से भी दोष सुनने को मिल जाए वो हमारा सौभाग्य होता है। प्रायः कोई बताने वाला नहीं होता है और वो बता रहा है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना होता है, आध्यात्मिक मर्यादा यही रहती है। तो यहाँ ऐसा तभी संभव हो पाता है क्योंकि उसके कहने से पहले से हम ही रहते हैं, इसीलिए तत्पर हमारी मान्यता में ही वो दोष आया हुआ होता है। और जब हम किसी दोष को दोष मान लेते हैं उसी समय से हम उसकी प्रतिक्रिया आरंभ कर देते हैं। बहुत सारे दोष तो मानने मात्र से ही हट जाते हैं, लग जाता है कि ये ठीक नहीं है, उसके बाद स्वतः ही हम उसकी आवृत्ति बंद कर देते हैं, चाहे मन में हो कहीं में हो, एक बार लग गया ये ठीक नहीं है तो अब हम उससे बचने लगते हैं अपने आप। तो आत्मरीक्षण से जब हम अपनी इस मानसिक स्थिति को देखते रहते हैं तो प्रायः जो होते हैं दोष, अधिकतम दोष हमारे सामने आते रहते हैं, चाहे सत्य बोलने के विषय में हो या झूठ बोलना हो, कोई भी स्थितियां होती है दूसरे के प्रति हमारा हित व्यवहार कैसा होता है। प्रायः व्यक्ति दूसरों के लिए अनिष्ट व्यवहार करता रहता है, विरुद्ध व्यवहार करता रहता है, सामने वाला या तो डर से या किसी कारण से उसको बताता भी नहीं इतनी जल्दी से, लेकिन हमारे व्यवहार से दूसरे को दुख होता रहता है और हम ऐसा रोक नहीं पाते हैं क्योंकि कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिए होते। लेकिन आत्मरीक्षण यदि हम करते रहते हैं तो हमें ये लगता रहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं शारीरिक रूप में, वाचनिक रूप में, जैसे भी हम कर रहे हैं या मानसिक रूप में भी होता है,
दूसरों को हम अपनी ओर से मतलब दुख देने वाला व्यवहार नहीं करें। जो अपरिहार्य है ऐसे व्यवहार वाणी जो है वो तो हम करेंगे, भले ही किसी को कष्ट होता है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन जो अपने नियंत्रण में है यानी कि उसमें सुधार किया जा सकता है और बिना सुधार के दूसरे के लिए दुखद हो रहा है, तो ऐसे कार्यों को तो हम निश्चय से रोक सकते हैं, रोकना ही चाहिए। प्रायः इन विषयों में हम प्रमाद करते हैं, किसी को उग्र बोलने की आदत होती है, किसी को किसी के पास भी कुछ भी वो नहीं चाहता ये मेरे से बात करे, फिर भी वो बात करता रहता है, समय उसका बिगाड़ता रहता है, सामने वाला चाहता है ये ना बात करे, मैं भी नहीं करूं, नहीं वो जाता ही नहीं, हटता ही नहीं है, तो ऐसे दूसरे कामों में दूसरे विषयों में फंसा लेता है उसको जा करके, कोई भी विषय छेड़ देता है उसमें, ना चाहते हुए भी उसको अपना सोचना पड़ जाता है, उत्तर देता रहता है वो। ऐसे अनेक कार्य होते हैं जिससे कि सामने वाले को हम बाधा पहुंचाते रहते हैं और हमें लगता नहीं है कि हम इसको विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। तो ये सब स्थितियां इसीलिए होती है कि हम प्रायः बहिर्मुखी रहते हैं, चंचलता के कसे युक्त होते हैं और आंतरिक रूप से कभी इस पर ध्यान नहीं दिए होते हैं कि हमारी वाणी व्यवहार की दूसरों के प्रति क्या प्रतिक्रिया हो रही है, सामने वाला हमसे क्या चाहता है, कैसे चाहता है, इसको हम कभी विषय बना नहीं पाते। तो ऐसे में न जानते हुए भी दूसरे के प्रति हमारा जो यम नियम का हनन है वो होता रहता है, लेकिन वही हम अगर ध्यान से बैठ करके उस पर विचार करते हैं, सामने वाले के साथ हमने किस प्रकार का व्यवहार किया, हमारे व्यवहार से उसकी क्या प्रतिक्रिया आई, वो क्या मान रहा है, तो आत्मनिरीक्षण यदि हम करते रहते हैं तो इनका पता चलता रहता है। कई सारे व्यक्ति होते हैं जो अपना सिद्धांत बता देते हैं, मैं ये मानता हूँ, उसी से डर लगता रहता है, उल्टे सीधे बातें होती है, वो कहता है मैं तो यही करूँगा। जैसे आतंकवादी आदि लोग होते हैं वो डराने के लिए ही अपनी बातों को फैलाते हैं, अपनी मान्यताओं को बताते हैं सामने वाले को ताकि ये हमसे डरता रहे। तो ये वैचारिक एक प्रकार से क्या है, पाप है। केवल सिद्धांत भी उल्टे सिद्धांत रख देना कहीं, वो सीधे सीधे दूसरों को डराने धमकाने के लिए होता है। कालांतर में व्यक्ति ऐसी वाणी बोलता है, ऊंचा बोलता है, जो भी है, ये सब दूसरों को सताने के लिए होते हैं। चोर डाकू जो होते हैं सीधे सीधे शारीरिक रूप में सताते हैं, लेकिन जितने दुष्ट होते हैं वो सैद्धांतिक रूप में भी पहले अपनी बात रख करके दूसरों को डराते हैं। तो हमारे सिद्धांत से भी दूसरे को कष्ट होता है। यदि हमारे सिद्धांत अनुचित हैं, अधर्म युक्त हैं और हम उसकी अगर घोषणा किए हुए हैं तो निश्चय से वो पाप कारक होता है। इसलिए हमें अपने सिद्धांत को भी देखना आवश्यक होता है कि हमारी जो मान्यता है जिसके बारे में लोगों को पता है वो अप्रमाणिक नहीं होने चाहिए, सिद्धांत विरुद्ध नहीं रहना चाहिए, हमारे प्रति लोगों की ऐसी मान्यता नहीं बननी चाहिए ये तो उल्टा ही सोचता है, उल्टा ही विचार करता है, उल्टे ही इसके व्यवहार होते हैं, ऐसी हमारे प्रति सामने वाले की मान्यता नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसे अपने सिद्धांतों को भी आत्मरीक्षण के माध्यम से ही हम देख सकते हैं कि हमारी जो मान्यता है बाहर हमने जो प्रस्तुत कर रखी है वो कितना शास्त्र के अनुकूल है, कितना वो प्रमाणों के अनुकूल है। कुछ भी हम बोलते रहते हैं, कुछ भी मान्यताएं रखते रहते हैं, उपदेश करते रहे, प्रवचन करते रहे, लेकिन शास्त्रों के साथ उसको मिलाते नहीं है, प्रमाणों के साथ उसको कस करके नहीं बोलते, मन में कोई नई बात आ गई और बोल देते जाकर के, तो ऐसा बोलना कोई उचित नहीं होता है। जो भी बोलना होता है वो मंत्र आता है एक, तितौ सक्तुमिव तितौ न पुनन्तु यत्र धीरा मनसा वाच मक्रता अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मी निहितादि वाचि। यानी जो व्यक्ति अपनी वाणी को जैसे सत्तु को छलनी से छान करके पीते हैं खाते हैं, तो छलने से छाने हुए सत्तू को जैसे वो खाता पीता है, ऐसे विद्वान व्यक्ति को अपनी वाणी को जो है वो छान करके प्रमाण से
कस करके बोलनी चाहिए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी वाणी वचन को प्रमाण पूर्वक दूसरों के सामने रखता है, उसकी वाणी में लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी का निवास अर्थात उसकी वाणी दूसरों के लिए आकर्षक प्रेरक होती है, विश्वसनीय होती है, हितकारी होती है। और जो व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है लेकिन वो बिना प्रमाण के, उससे कसी बिना प्रमाणों के साथ तुलना किए बिना अगर वो रखता है तो उसकी वाणी क्या होती है, वो अहितकर होती है, उसमें लक्ष्मी नहीं होती है और वो सखा यानी कि मित्रता के लिए ना होकर के वो शत्रुता के लिए होती है। तो इस प्रकार से हमारी जैसी वाणी का होता है ऐसे सिद्धांतों को भी प्रमाणों से पहले स्वीकार करना चाहिए और दूसरे से को के सामने रखने से पहले उसको प्रमाणों से जांच लेना चाहिए। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आत्मनिरीक्षण होने पर ही समझ में आ सकती है या ऐसा किया जा सकता है। यदि हम शांत एकांत एकाग्रचित होकर के अकेले में बैठ करके हम इनको नहीं याद करते, स्मरण नहीं करते, सामने नहीं लाते हैं तो नहीं पता चलेगा कि ये उचित रूप में हम मान रहे हैं, ये अनुचित रूप में मान रहे हैं, ऐसा नहीं पता लगता है। तो इस प्रकार से अपने वाणी को, व्यवहार को, सिद्धांत को, इन सभी चीजों को परिमार्जित करने के लिए अनिवार्य होता है कि हम आत्मनिरीक्षण करते रहें। इस आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम इन कार्यों को अच्छी प्रकार से संपादित कर सकते हैं।